अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी विद मैविश, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कैलोरी काउंटेड फूड, मैक्रो काउंटेड फूड और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिप्स एंड सजेशन अबाउट योर वेट लॉस जर्नी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है एप्पल साइडर विनेगर, और एप्पल साइडर विनेगर से आपका वज़न कैसे कम हो सकता है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट एप्पल साइडर विनेगर, कि वो आपको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एप्पल साइडर विनेगर के फ़ायदे, एप्पल साइडर विनेगर के नुकसान, और वो आप कैसे और कब ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वॉट इज़ एप्पल साइडर विनेगर? एप्पल साइडर विनेगर होता क्या है? एप्पल साइडर विनेगर सिरके की किस्म है जो कि सेब से बनाई जाती है। एप्पल साइडर विनेगर को बहुत सारे लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में यूज़ करते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर के फ़ायदे क्या हैं? एप्पल साइडर विनेगर का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, इट इज़ लो कार्ब। एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का, उसमें 3 कैलोरीज होती हैं और नो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन विनेगर है, इसके आपके बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे। सबसे पहले हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर के क्या फ़ायदे हैं। एप्पल साइडर विनेगर के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर जो इसके दो फ़ायदे हैं वो ये है कि ये आपके शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और आपके ब्लड के अंदर आपके ब्लड इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करता है। यही दो बड़े फीचर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं या फैट्स को स्टोर करते हैं, और स्पेशली पीसीओज के अंदर, अगर आपको पीसीओज हैं और आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हीं दो फैक्टर से आपने बचना है कि आपने अपना ब्लड ग्लूकोज का लेवल नहीं इंक्रीज़ होने देना और आपने इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ नहीं होने देना। सो एप्पल साइडर विनेगर को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को और ब्लड ग्लूकोज लेवल को और इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करेगा। तीसरा फ़ायदा एप्पल साइडर विनेगर का ये है, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। उससे आपको लगता है आपका पेट भरा हुआ रहता है। सो ये भी एक और बड़ा फ़ायदा है, अगर आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी तो आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। फिर चौथा फ़ायदा एप्पल साइडर विनेगर का ये है कि इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। जब आप डाइटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ खाना पीना छोड़ रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, तो एप्पल साइडर विनेगर आपका मेटाबॉलिक रेट को इनक्रीज़ करता है। फिर पांचवा, इट डिक्रीज़ द फैट इन योर बॉडी, और ये आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज को कम करता है और इम्प्रूव करता है आपके वेट लॉस को। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है। फिर उसके बाद ये एक और काम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। तो ये इसके बेसिक फ़ायदे हैं एप्पल साइडर विनेगर के। लेकिन आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना कितना है? इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो आपने ये नहीं कहना कि सुबह उठते साथ ही आपने एप्पल साइडर विनेगर पीना शुरू कर देना है, अपनी पूरी बॉटल ले ली और बार बार चम्मच भर भर के आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये विनेगर है, एसिडिक है, आपके स्टमक के अंदर जाकर ये जलन करेगा। तो उसके नुकसानात में से क्या है कि अगर आप इसको ज़्यादा ले लेंगे तो आपको नौजिया की फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी आने वाली है। अगर दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इससे हार्ट बर्न हो सकता है, जो यहाँ पे आपको सीने की जलन होती है, सीने की जलन आपको हो सकती है। तो आपने एप्पल साइडर विनेगर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आप लेना कितना है आपने? आप दिन में 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। 1 to 2 टेबल स्पून एवरी डे, 1 टेबल स्पून शुड बी इनफ। तो आपने लेना कैसे? आपने चम्मच भर के एप्पल साइडर विनेगर को दवाई की तरह इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये विनेगर है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट करेगा अगर आप इसको अनडिल्यूटेड ले लेंगे। तो आपने एप्पल साइडर विनेगर को कैसे लेना है? आपने एप्पल साइडर विनेगर को डिल्यूट करके लेना है, मतलब आपने इसको पानी में मिला के लेना है। सबसे आसान तरीका जिससे आप एप्पल साइडर विनेगर को ले सकते हैं वो ये है कि आप पानी का ग्लास लें और उस पानी के ग्लास में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालें और उसको मिक्स करें और उसको पी लें। उस तरह आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर भी पी लेंगे और इस आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा। या तो आप ये कर सकते हैं, जो कि बड़ा मशहूर तरीका है, मैं भी यही करती हूँ, कि आप इसको सैलड्स के ऊपर डाल के लेना शुरू कर दें। आप सैलड्स की जो ड्रेसिंग्स बनाते हैं उसमें आप एप्पल साइडर विनेगर और ऑलिव ऑयल को मिक्स करें और उसको डाल दें। तो ये भी एप्पल साइडर विनेगर को लेने का बड़ा अच्छा तरीका है, जिससे आप
1 to 2 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। तीसरा तरीका ये है जो आप कर सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ पे सिरके का इस्तेमाल करते हैं वहाँ वहाँ पर आप एप्पल साइडर विनीगर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो ये एप्पल साइडर विनीगर है के फ़ायदे हैं, आपने एप्पल साइडर विनीगर पीना है, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, पानी के अंदर हल करके पीना है। अगर आप पीना चाहते हैं इसको, आपने इसको वैसे चम्मच के साथ नहीं लेना, आपने इसको पानी में हल करके पीना है। आई हैव वो ऑल द टिप्स अबाउट पानी से वज़न कैसे आप कम कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। टिल देन टेक केयर, बाय।